Hey, what's up, universe? This is your boom boy, TJ Adam is here again with a new video. Boy, let's start a craziness, baby. Okay, so guys, आज हम लोग को कहाँ जाना है कहाँ नहीं ये मुझे भी नहीं पता है. सो आज ये सस्पेंस है कि हम लोग कहाँ जाने वाले, बट इतना पता है कि हम लोग जाने वाले शूट के लिए कोई प्लेस देखने के लिए, बिकॉज बहुत दिनों से कहाँ पे गए नहीं. सो चिल आउट माने नो चिल आउट ओनली शूट के लिए प्लेस देखने जा रहे हैं. तो गाइस हम लोग कहाँ जाने वाले काम नहीं ये बिल्कुल भी नहीं पता है. सो गाइस हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे कहाँ नहीं, ये सस्पेंस है आज. सो दिखते रहो एंडिंग तक का. एंड और एक बात, डूड मैंने नोज रिंग किया है, सो ये कैसा लग रहा है आप सब मुझे प्लीज़ बताना डूड. बिकॉज अभी मेरे को ये करके 2-3 डेज ही हुए हैं. हाँ हुए हैं. सो गाइस हम लोग आज जाने वाले सही दिल्ली, चल दे मैं थोड़े ड्रेसिंग वगैरह मारता हूँ एंड फिर निकल दे ये ही बने रहो एंडिंग तक. तो गाइस हम लोग अभी बांद्रा जा रहे हैं फिलहाल शूट पे. लोकेशन देख रहे हो ये गूगल मैप फॉलो कर करके जा रहे. तो देन धूप बहुत है एंड देख सकते हो बाहर टैक्सी मार के जा रहे भाई लोग पीछे हो गए. तो गाइस जा रहे अभी एंड वहाँ पे शूट के लिए शायद से लोकेशन बहुत बूम है. तो चलते एंड लेट्स बूम भाई वे सही. We'll be driving down the state, yeah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise. Okay, so guys, अभी हम लोग on the way है. हम लोग टैक्सी से बाहर आ चुके हैं. थोड़ा रास्ता भटक गए डूड, बट कोई नहीं, हम लोग बहुत जल्दी जाएंगे. तो चलते एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं. यहाँ पे रैप शूट भी करना है, मतलब रैप भाई का एक इनकमिंग रैप है, उसके वीडियो भी शूट करना है एंड अपना ब्लॉग भी कंप्लीट होगा. तो ये ही ऐसी बहुत मजा आएगा. प्लेस बहुत ही बूम है बांद्रा. Set at home being lazy, wanna travel to the mighty, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you drop with. So guys, अभी ये बांद्रा का जो है, बांद्रा हम लोग पहुंच चुके हैं. मेरा आवाज आप सबको आ रहा है कि नहीं पता नहीं, बट हम लोग बांद्रा पहुंच चुके हैं. यहाँ पे हम मतलब कुछ लोग देख सकते हो क्रिसमस को लेके बहुत अभी से, मतलब स्टार्टिंग से तैयारियाँ चल रही है. देख सकते आजू बाजू क्रिसमस के लिए बहुत से ट्री वगैरह इन लोग देख रहे हैं. मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता है, बट हम लोग अभी वो आज हम लोग आए लोकेशन देखने के लिए. जो शूट हुआ वो शायद से कल भी हो सकता है या तो फिर डेट के हिसाब से, मतलब कर सकते कभी भी कर सकते, बट हम लोग आज फिलहाल आए लोकेशन देखने के लिए. तो हम लोग लोकेशन देखने के लिए आए, तो लोकेशन का भी मैं सोचा कि एक ब्लॉग ड्रॉप करूँ. तो आज देख सकते हैं क्या होता है. अभी हम लोग तो जा रहे हैं. यस भाई का तो वो बहुत क्रिएटिव इंसान है. तो अभी मैं फिलहाल नोसरिंग किया हूँ. मुझे ये चीज़ के ऊपर थोड़ा बात करना था आपसे. हाउ कैसा लग रहा है ये नोसरिंग सही. तो अभी तो क्या कर सकते हैं डूड, प्लेस एकदम बूम है. बट जो हमारे जो शुभम भाई है उनको रुकने का नहीं, वो सिर्फ बोले ना सिर्फ दौड़ रहे, मतलब लोकेशन ढूंढते दौड़ रहे. इधर है भाई, लेट्स सी. एंड यहाँ पे गौरव
यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लेस देखने आए अभी। ये हमारे भाई यहाँ पे रुकना नहीं चाहते, इसलिए फटाफट चल रहे, हम लोग का ब्लॉग भी शूट नहीं हो रहा है इसकी वजह से, इनको ज़रा मैसेज करके बोलो। एंड सो गाइस, आई होप यू गाइस आप सबको प्लेस अच्छा लग रहा होगा। हम लोग अभी एक एक लोकेशन पे पहुँचे नहीं है, बट बहुत जल्दी पहुँचेंगे, सो देखते रहो एंडिंग तक का बने रहो। राइट, सो गाइस जैसे कि हम लोग, मैं तब से बोल रहा हूँ कि हम लोग प्लेस सिर्फ ढूंढ रहे हैं, यू नो, मतलब यहाँ पे डूड एक चीज़ है कि बांद्रा में कि तुमको गूगल भी नहीं बताएगा कि कहाँ पे सही से रास्ता है। अगर तुम हाईवे मार हो तो सिर्फ तुमको बताएगा कि ये जगह है, एंड देन नहीं तो बाकी यहाँ पे गली, मतलब गली जो है ना वो बहुत है, तो फिर तुमको एग्जैक्ट परफेक्ट लोकेशन नहीं मिल पाएगा। तो देन हम लोग अभी घूम रहे फिर रहे, तो टाइम अभी तो बहुत हो चुका है, बट हम लोग घूम ही रहे। तो देन सो गाइस, मुझे ये बोलना था कि गाइस अगर आप तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाओ जाके फॉलो करो। डूड क्या कर रहे हो? गाइस अभी हम लोग ऑन द वे, तब से हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, अभी बहुत टाइम हो गया है डूड, बट हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं समथिंग, वो गार्डन है सुपारी टंग गार्डन कुछ ऐसा है, मुझे भी प्रॉपर नहीं पता है, बट हम लोग अंदर हुए यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट कुछ ऐसा जाना है, लेफ्ट टू राइट, तो देन चलते हैं एंट्री का। ओके सो गाइस, प्लेस आप सब देख सकते हो, सी प्लेस भाई, वे व्हाट द प्लेस मैन, मतलब ये प्रॉपर फोटो शूट करने के लिए बहुत बूम प्लेस है। एंड हम लोग का जो प्लान था डूड, उसमें थोड़ा किच किच आई मीन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया 19-20, उसके लिए देन सॉरी। प्रॉपर ब्लॉग मुझे ड्रॉप करना था, भले से अभी कितना भी टाइम लगे, बट प्रॉपर ब्लॉग ड्रॉप करेंगे हम लोग, एंड देन जाएंगे। सो लुक लुक भाई, लुक या प्लेस एकदम बूम है डूड। यहाँ पे ट्रैवलिंग का बहुत समस्या है, बट कोई बात नहीं, आप सबको थोड़े बहुत इश्यूज तो होते ही है अगर आप कहीं न्यू प्लेस पे जाते हो, तो देन यही है। एंड हम लोग कभी देख सकते हो आप सब, लोकेशन एंड प्लेस बहुत बूम है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ये मतलब हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं उसका एड्रेस डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, दैट बहुत बूम है, देखते आगे। ऑलराइट सो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो हम लोग अभी यहाँ पे जो पहुँचे, पूरा प्लेस प्रॉपर एकदम सूट के लिए, एकदम सूट के लिए। एंड मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे जो एवेंटेज जैसा प्लेस दिख रहा है ना, जो अंकल अंदर बैठे हैं रेड टी शर्ट में, वो भी प्लेस बहुत बूम है, बट वहाँ पे रहते वहाँ पे सूट के लिए अलाउ नहीं है, बट बाय द वे ये प्लेस बहुत बूम है। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चालू है, बट बहुत बूम है डूड। आप देख सकते हो रोड का नाम बता रहा हूँ, वेरोइका रोड, बांद्रा वेस्ट, यहाँ पे आना। एंड हम लोग अभी जाएंगे गार्डन पे, सुपारी टंग गार्डन, जो कि बहुत आगे है यहाँ से, देख सकते हो आप सब, एंड बहुत मज़ा आएगा डूड। प्लेस बहुत बूम है, एंड यहाँ पे अगर शूट हुआ समथिंग, वीडियो शूट हुआ या तो फिर फोटो शूट हुआ, बहुत बूम पीक आएगा। ओके तो गाइस, प्लेस भी क्या होता है, कैनेशी, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बट बोलना पड़ेगा भाई, सही चल दे। गाइस अभी हम लोग फिलहाल जो लोकेशन ढूंढ रहे थे डूड, वो लोकेशन तो एक मतलब जो था सुपारी गार्डन, वो एक गार्डन था जो कि नॉर्मल सा गार्डन है, आई मीन हम लोग के एरिया में भी वो गार्डन है, उससे तो मेरे को लग रहा है बैटरी गार्डन है, वहाँ पे सिर्फ फुटबॉल खेले थे, जस्ट वॉक फुटबॉल या। तो गाइस अभी हम लोग ने एक चीज़ नोटिस किया, जो कि डूड अगर जो एमसी स्टैन को फॉलो करता है उन लोगों को पता है कि एमसी स्टैन कौन है। डूड अगर आप सबको नहीं पता एमसी स्टैन कौन है, तो गाइस एमसी स्टैन एक रैपर है, जो कि उनका जो ब्रोकिस जोक जो सॉन्ग था, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ गाइस एमसी स्टैन का, तो ब्रोकिस जोक जो सॉन्ग है वो ब्रोकिस जोक यहाँ पे शूट हुआ था, देख सकते हो लोकेशन प्लेस देख सकते हो आप सब कैसा है। ओके
तो गाइस जो ब्रोकेज जोक है वो यहाँ पे शूट हुआ था। तो गाइस अभी हम लोग आगे चलते हैं एंड दिखाता हूँ कि ब्रोकेज जोक में जो मेन मतलब जो कि चौक का जो वीडियो है वो यहाँ पे आपको पार्ट भी मैं दिखाऊंगा। जो वो आपको एक क्लिप जो कि क्लिप भी मैं बताऊंगा वो क्लिप आपको मैं शायद से ब्लॉग में ऐड करूंगा। वो क्लिप में ये पार्ट है ब्लॉकेज जोक में, ये पार्ट आपको ये सीन खास दिखाऊंगा मैं मेरे ब्लॉग में मैं क्लिप वो भी डालूंगा कि ब्लॉकेज जोक जो सॉन्ग है यहाँ पे शुरू हुआ था MC10 का। तो देख सकते हो आपका ये है ये लोकेशन में मतलब शूट हुआ था जो कि उसका जो सॉन्ग था MC10 का ब्रोकेज जोक एंड ये बहुत बूम प्लेस है गाइस। तो सोच सकते हो प्लेस कैसा हो सकता है। तो मैं तब से यही देख रहा था कि कहाँ पे ने बट जो सुपारी गार्डन जो बोला एक जन ने दिमाग पूरा ख़राब कर दिया वो मतलब बोल के सुपारी गार्डन। गाइस सुपारी गार्डन मतलब वो सुपारी खाने वाला गार्डन नहीं है, वो एक जस्ट नॉर्मल सा गार्डन है जो कि सब लोग मतलब हम लोग के भी वहाँ पे है ऐसे ही वैसे ही गार्डन जो कि फुटबॉल प्ले करते मतलब क्रिकेट वगैरह वही सब खेलते देन उसके आगे है हम लोग पता करके तो हम लोग को मिला MC10 का जो सॉन्ग है वो प्लेस वाला। तो गाइस आप सब देख सकते हो पहला प्ले ये है इसका क्लिप भी मैं आपको डालूँगा। सो गाइस फाइनली हम लोग को प्लेस मिल गया है। मुझे बताया गया कि डूड वो जो सुपारी टैंक जो कि लोकेशन है वो बहुत बूम है एंड जब मैंने उसको देखा तो डूड वो मतलब एकदम बूम लोकेशन था। वो था एक नॉर्मल सा प्ले गार्डन में नो प्ले नहीं जहाँ पे हम लोग क्रिकेट एंड फुटबॉल वगैरह खेलते हो। तो देन देख सकते हो MC10 का जो एक सॉन्ग था ब्रोकेज जो वो डूड ये जगह पे शूट हुआ था। पूरा लोकेशन बहुत बूम है आप सब देख सकते हो। तो मैं आपको क्लिप भी ऐड करके दूंगा हो सके तो म्यूट करके सॉन्ग वरना कॉपीराइट लग सकते हो। ठीक है गाइस आज हम लोग ब्लॉग बहुत समथिंग में ये भी मेरे को जैसा लग रहा था कि आज का ब्लॉग बहुत बूम है तो मेरे को लगा कि बूम है और बूम है ही क्योंकि यहाँ पे MC10 का जो ब्रोकेज जोक का सॉन्ग वो भी शूट हुआ है एंड हम लोग शूट के लिए भी प्लेस देखने आए थे तो हम लोग को मिल गए एंड नेक्स्ट जो मतलब समथिंग शूट का ब्लॉग रहेगा साथ से मैं वो ड्रॉप कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा वो मुझे पता नहीं बट हम लोग शूट यहीं पे करेंगे क्योंकि प्लेस बहुत बूम है। आप सबको तो मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूँगा यहाँ पे आके आप शूट वगैरह कर सकते हो। प्लेस बहुत ही बूम है और ख़ास करके बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे जो MC10 का जो सॉन्ग था ब्रोकेज जो वो भी यहाँ पे शूट हुआ है तो मुझे बहुत बूम लगा ये प्लेस एंड बहुत ही बूम था। तो गाइस अभी फिलहाल बहुत टाइम हो रहे अभी यहाँ पे 5 o'clock बज चुके हैं इवनिंग के तो हम लोग अभी फर्स्ट डे जाना है घर पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे ही ब्लॉग में एंड करूँ। तो गाइस आई होप यू गाइस यू एंजॉय दिस माय वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस माय वीडियो। तो लेट्स से एक मिनट और एक बात बोलना है ओके सो गाइस अगर आप तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो जाओ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी है tej_adam। तो जाओ जाके फॉलो करो डू तो ये चीज तो लेट्स से कैच बेबी।